jungle. क्योंकि आज हमारे थाना हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर जनपदीय ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे गिरोह में अभियुक्तों के द्वारा ट्रैक्टर को चोरी करके उसके फर्जी कागजात बनाकर उसको बेचने का कार्य किया करते हैं। पिछले जनवरी 22 तारीख को थाना इस्मातपुर से एक ट्रैक्टर की चोरी हुई, जिसमें एसपी वेस्ट के नेतृत्व में श्री इस्मातपुर और थाने की टीम और सर्विलांस की टीम बनाई गई थी, और उस टीम की अभिसूचना संकलन के आधार पर आज इस पूरे गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उनके पास से चोरी किए गए 3 ट्रैक्टर बरामद हुए, जो एक इस्मातपुर से चोरी थी, दूसरा एक से और तीसरा संभवतः मथुरा से बताई गई है। इसके अतिरिक्त 3 मोटरसाइकिल, काफ़ी मात्रा में अवैध असलहे और एक TUV गाड़ी भी बरामद की गई है। इस TUV 4-व्हीलर की का उपयोग अपराधी चोरी करने के लिए और चोरी किए गए ट्रैक्टरों को बेचने के लिए जो है आने जाने में यूज करते थे। साथ ही साथ ट्रैक्टरों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर को खराब करने के उपरांत फर्जी रजिस्ट्रेशन कागज की तैयार कराते थे। कुछ सूचनाएं उसके संबंध में मिली है, जिसके आधार पर यह आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। एक अंतर जनपदीय ट्रैक्टर चोरी करने वाले लोग कुल 8 सदस्यों के गिरफ्तार हुए। इस पूरे गैंग में जो अपराधियों से पूछताछ हुई है, उन्होंने बताया कि 3 तरीके के लोग काम करते हैं। 4 अभियुक्त हैं जो गाड़ियों को, ट्रैक्टरों को चोरी करते हैं। 2 अभियुक्त हैं जो उनकी चोरी की गई गाड़ियों की प्रिंटिंग कराकर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज कराकर फर्जी कागजात तैयार कराते हैं, और 2 ऐसे लोग हैं जो बेसिकली इन चोरी किए गए फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले ट्रैक्टरों को गांव-गांव में और अलग जगहों पर जाकर बेचते हैं। इस पूरे गैंग का लीडर रायक सिंह है, जो गिरफ्तार हुआ है, और इनके साथ अनेक तरह के, तीनों तरह के कार्य करने वाले सभी सदस्यों को गिरफ्तार करने की प्राप्त हुई है। पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम देखिए, आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, इसमें से कुछ अभियुक्तों की तरफ से जो है पूरी में मुकदमा दर्ज है, जानकारी की जा रही है और उसके आधार पर आगे की जा रही है। ये भी संबंध में भी जो है अभियुक्तों से जानकारी की गई है, अपने आसपास जो सूचनाएँ हमें प्राप्त हुई उसको आगे डेवलप करने का आगे बताया।